नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक हाई लेवल कमेटी बनी थी, उसके रिकमेंडेशंस को आज कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। भाई प्रधानमंत्री जी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए 15 अगस्त को ये बोले थे कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, और 24 घंटा नहीं बीता सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने दो राज्यों की चुनाव घोषणा की, जबकि पिछले समय महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन महाराष्ट्र के चुनावों की तिथि घोषित नहीं किए और जम्मू कश्मीर इसका करती है। यहां अरुण साव जी बोलते हैं उप मुख्यमंत्री वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पे छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होगा, लेकिन अब सरकार के सूत्रों से खबर आ रही है कि अब वो नगरीय निकाय और पंचायती चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं है। खुद बोलते हैं खुद नहीं कर पाते, कैसे संभव हो जाएगा जब खुद बोल के नहीं करा पाते? चार इलेक्शन एक साथ करा देना चारों राज्य का, तो नहीं करा पाए तो संभव कैसे होगा? बीच में मान लो सरकार किसी राज्य में ये स्थिति बनी या राज्य सेंट्रल में कि मध्यावधि चुनाव कराना है, ये सेंट्रल में मध्यावधि चुनाव होगा तो सारे राज्यों में फिर मध्यावधि चुनाव हो जाएगा। जो वन नेशन वन इलेक्शन है, यदि किसी राज्य में सरकार गिर गई, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और फिर विधानसभा भंग हो गया, तो वो एक जगह चुनाव कराएंगे 2.5 साल के लिए होगा कि 5 साल के लिए होगा? ऐसे सारे सवाल हैं। इतना बड़ा देश है, अलग अलग परिस्थितियां अलग अलग राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग होते हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं है।